हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? तो आज मैं करने जा रहा हूँ ब्लॉगिंग किट की अनबॉक्सिंग। ये ब्लॉगिंग किट है जो कि मैंने ऑर्डर करी थी, इससे पहले आ गया होगा उसका ब्लॉग। तो ये अभी आई है, आज नवरात्र है, आज सॉरी दशहरा है, नवरात्र वाले दिन आई थी, पर मैं कल इसलिए नहीं ओपन कर पाया। मेरा बहुत मन कर रहा था इसको खोलूं पर इसलिए नहीं खोल पाया क्योंकि कल ना गर्भगृह का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था और ये अच्छी से वीडियो बन नहीं पाती। तो रात के 2 बजे तक उसका वो बंद हुआ, तो फिर मेरी नींद आ गई थी। तो अभी लगभग 6 बज रहे हैं सुबह के, तो तब खोलते हैं। अच्छा, कल पता है बहुत अकेला फील हो रहा था और बहुत बढ़िया चीज़ हुई कि अकेला फील हो रहा था, तो मैं ना बाहर गया, ऐसे ही अकेला ही था, तो गरबा हो रहा था सामने, मैं उधर गया तो एक बच्चे ने मुझे देख लिया वीडियो बनाते हुए। तो बोला है, सर आपने कल मेरी वीडियो बनाई थी और जो यूट्यूब में डाली। मैंने कि हाँ यूट्यूब पर डाली थी। तो कह रहा, अरे थैंक यू सर, थैंक यू। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि इस अकेलेपन में भी तुझे किसी ने पहचान लिया, तो अच्छा लग रहा था। खैर अभी चलो, अब ये अनबॉक्सिंग करते हैं तो देखते हैं क्या है। भाई सब मज़ा आ रहा है, कल तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, अभी तो जस्ट सो के उठा हूँ, तो देखते हैं इसमें। अच्छा मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैंने उसमें बताया था कि 1500 रुपये की ब्लॉगिंग किट है, पर ये है 2000 रुपये की। 1500 वाली में सिंगल माइक था, तो मैंने फिर 2000 रुपये वाली इसलिए कर दी क्योंकि मैं कभी कभी है ना इंटरव्यू वाला भी करता हूँ सीन, तो इसलिए 2000 वाली ली मैंने। और उसमें ये सारी चीज़ें जैसे ये हमारी फ्लैश लाइट है, ये ट्राईपॉड है, ये स्टैंड है, ये माइक है जो कि हम इसको मोबाइल से लगा सकते हैं इस जैक के थ्रू, और ये हमारे दो माइक हैं। ये दोनों बहुत बढ़िया चीज़ है, ये अलग से भी लोगे बहुत महंगे आते हैं। और ये उसका बटन है कैमरा का, वीडियो का ऑन करना है, ये चीज़ है। और ये नीचे गाइड है, तो चलो देखते हैं खोल के। तो इसको खोला, भाई साहब क्या मस्त चीज़ है रे। डर लग रहा है कि टूट ना जाए क्योंकि पता नहीं ना अच्छे से कहाँ कैसे खुलेगा। आप इसको रख भी सकते हो ऐसे, और इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। इसमें ये माउंट करना होता है, ये ना ये माउंट करना होता है। ये लाइट ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, फ्यूजन हो रहा है कि क्या कैसे लगेगा, मैनुअल में देख लेते हैं। पहले रहेगा ये लाइट और लाइट के ऊपर रहेगा माइक, तो माइक निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से ये, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा, देख लो मस्त लग रहा है। और इसको हम खोल सकते हैं, इसको हम अकॉर्डिंगली अपना जैसा चाहिए हो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इधर से लॉक वाला सिस्टम है। अब जो मेन चीज़ है इसकी, इसमें ये ट्राईपॉड है, यहाँ पे अपना मोबाइल लगाओ, ये लाइट जल जाती है, लाइट का जलने का सिस्टम, देखते हैं कहाँ से। अच्छा लाइट जलने का सिस्टम है, पर इधर सेल नहीं दिए लोगों ने, पहले सेल खरीदने होंगे तब लाइट जलेगी। 15-20 रुपए का और ख़र्चा। इसके बाद जब ये तभी मैं लाइट चेक कर पाऊँगा। ट्राईपॉड तो ठीक है, आराम से बैलेंस हो रहा है, और फिर ये माइक है, ठीक है, ये डायरेक्ट मैं अपने मोबाइल में लगा दूंगा यहाँ तक। ये तो पूरी ब्लॉगिंग किट हो गई। अब एक एक्स्ट्रा दो माइक और हैं, माइक ये है, जैसे ये अभी मैं ये कर रहा हूँ ना, ये वाला माइक, ये वाले माइक में क्या है, वायर है, तो इस वायर के चक्कर में क्या होता है, मुझे है ना मोबाइल के साथ डिस्टेंस बना के ही रखना है, मतलब और ज़्यादा घूम नहीं सकता, नहीं तो वायर अटक जाएगा। पर इन वाले माइक में क्या फ़ायदा रहता है, ये वायरलेस है तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर इनमें एक मैंने डिसएडवांटेज ये सुना है, अगर इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो फिर ये इसकी आवाज़ अच्छे से जा नहीं पाएगी उधर, ठीक है, ये रहता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये वाला माइक मैंने लगा लिया, ये वाला माइक किसी दूसरे ने लगा लिया, तो दोनों की आवाज़ रिकॉर्ड होगी। और रिकॉर्ड कैसे होती है, ये ट्रांसमीटर होता है, ये क्या करता है, दोनों की आवाज़ लेता है, मोबाइल में लगा देता है। ये टाइप सी वाला है, तो ये मैं अपने डायरेक्ट मोबाइल में लगा दूंगा। और हमें अगर मेरा एप्पल का फ़ोन हो तो हमें OTG भी दिया है, तो ये मेरे आगे काम में आएगी, अभी मेरे पास एप्पल का फ़ोन नहीं है तो इसको मैं संभाल के रखता हूँ, ठीक है। अच्छा इनको चार्जिंग भी करना होता है, ये माइक को, तो माइक को चार्जिंग करने के लिए इन लोगों ने केबल भी प्रोवाइड करी है, ये वाली इन लोगों ने टाइप सी केबल प्रोवाइड करी, इससे मैं माइक चार्ज कर सकता हूँ। अब पर दिक्कत क्या है कि अभी मेरे पास मोबाइल एक ही है तो मैं चला नहीं पाऊँगा, चलो मैं देखता हूँ, मतलब अभी वीडियो ऑफ करके। अभी मैंने मोबाइल अपने ट्राईपॉड पे लगा दिया है, तो कुछ इस तरीके से लगेगा। और इसके बाद अगर मैं वो वाला माइक लगाऊँ तो
कनेक्ट कर लिया है, तो शायद कनेक्ट हो गया होगा। उनने बोला था कि अगर ये ब्लू लाइट आ जाए हल्की सी, बहुत छोटी सी ब्लू लाइट दिख रही होगी तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं एक ही बार में दोनों में आवाज रिकॉर्ड होंगी या नहीं। और ये भी अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको रखते हैं भी। इसका कवर है एकदम अच्छी तरीके से रखा है मस्त। और अब खैर हमारे पास ये भी देखते हैं, ये भी मुझे नहीं पता कैसे यूज होगा। आई थिंक ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। देखो तो इसको ऑन करा, ये क्या है, ये मुझे कैमरा ऑन करना है या ऑफ करना है दूर से, तो मैं बताता हूँ कैसे काम करेगा ये। पहले मैं इसको लगा दूँ ऑन और ऑफ का, ये रहेगा देखता हूँ। अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी ब्लूटूथ इसका कनेक्ट नहीं करा। एक मिनट ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। अच्छा अभी इसका ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है, मतलब जब तक लाइट जल रही थी तब तक ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं था, अब इसका कनेक्ट हो गया है। और इसमें पता है क्या अच्छी बात है, इसमें ये अच्छी बात है कि इसको चार्ज नहीं करना बार बार, इसमें सेल लगता है पीछे, तो ये बढ़िया है। 3 वोल्ट का सेल है मरकरी वाला, तो ये बढ़िया रहेगा इसको। मैं इन दोनों में से कोई भी बटन ऑफ और ऑन करूंगा तो वीडियो ऑन और ऑफ हो जाएगी। इसमें लिखा भी है कि ये एंड्रॉयड के लिए नीचे वाला और ऊपर वाला 360 के लिए। 360 वही एक तरीके का कैमरा होता है, और हम लोग ने देखा भी था, तो मेरा बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है मस्त। तो सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा पता है प्रॉब्लम तब होती थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नॉइज़ आ रहा है, तो नॉइज़ को रिमूव करने के लिए ये हो गया और ये वाला माइक हो गया जो इसमें लगा है। और लाइट हो गई, जो फ्लैश लाइट अंधेरे में दिक्कत आ जाती थी, तो मेरे लिए ये बढ़िया। और ट्राईपॉड क्या होता था, जैसे अभी मैं ये रख के कर पा रहा हूँ, तो ट्राईपॉड में एकदम स्टैंड है फ़ोन, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले मैं इसमें रखता था तो ये एज ए ट्राईपॉड वर्क करता था मेरा, तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और थैंक यू वेरी मच, तो मैंने फाइनली कुछ लिया। सबसे पहले मैंने ये लिया था अपने लिए, ये वाला माइक, ये काफ़ी बड़ा है। 3 साल हो गए इस माइक को लिए हुए, स्टार्टिंग में ही ले लिया था, फिर अभी ये लिया है, फिर उसके बाद ये चीज़ ली है। तो ऐसी धीमे धीमे अपनी चीज़ें बढ़ाता रहूँगा। और आप लोग क्या करो, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, अगर जितनी जल्दी सब्सक्राइबर होंगे उतना बढ़िया लगेगा। तो ठीक है, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है आज, तो मैं इसको यूज़ भी करने जा रहा हूँ। आज दशहरा है तो दशहरा के दिन कुछ स्पेशल सोचा है, अगर हो पाया तो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली में होता क्या कि कई भी रिकॉर्ड हो जाती पर आ नहीं पाती, तो आज रिकॉर्ड भी करना है। हाँ सुबह हो रही है मस्त तरीके से, अभी क्या है ना वीडियो एडिट करनी है, फिर ऑफिस वगैरह जाना है, फिर दशहरा का रिकॉर्ड करना है, फिर मस्त तरीके से मज़े से फिर एडिट करना है, फिर डाउनलोड, मतलब चलता रहेगा ये प्रोसेस और मज़ा आ रहा है इसमें। तो ठीक है, आप भी मज़े करते रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी और भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी ब्लॉगिंग किट आ गई, तो आज की इतना काफ़ी है। जय हिंद जय भारत।